वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप इन पारिवारिक पार्टियों से क्या उम्मीद करते हैं, ये केवल परिवारों तक ही सीमित रहते हैं। चाहे कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनका कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं है, बल्कि इनका परिवार ही इनका एजेंडा है। एक तरफ यह गठबंधन राष्ट्रीय नायकों का अपमान करता है और दूसरी तरफ माफिया और आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा देता है। अभी कुछ दिन पहले जब एक कुख्यात माफिया की मौत हुई तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शोक व्यक्त करने गए, लेकिन जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तब राम भक्तों के साथ उनका व्यवहार कैसा था? इन इन परिवारवादी दलों से आप क्या उम्मीद करते हैं? ये केवल अपने परिवार के लिए तक अपने परिवार के लिए सीमित है। और स्वाभाविक रूप से मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा इनका स्वयं का परिवार है और स्वार्थ पर आधारित इनके परिवार का एजेंडा एक तरफ राष्ट्र नायकों का अपमान करता है तो दूसरी तरफ माफिया और आतंकी तत्वों को ये लोग प्रश्रय देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनका महिमामंडन करते हैं। यही प्रदेश है। समाजवादी पार्टी ने 2012 में सत्ता में आने पर आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों का जिन लोगों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, अयोध्या वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर और सीआरपीएफ कैंप रामपुर पे हमला किया था, उन आतंकियों के मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले एक कुख्यात माफिया की मौत होती है, उसके मरने पर उसके घर में संवेदना व्यक्त करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, लेकिन जब राम जन्मभूमि की बात आई थी, कब आंदोलन चल रहा था, इनका व्यवहार राम भक्तों के साथ कैसा था? प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी का आचरण कैसा था? और कल राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं। और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब दे।